शिक्षा को, क्योंकि शिक्षा से ही एक बेहतरीन समाज का निर्माण हो सकता है। आप कितना भी लोगों को अनाज दीजिए, लोगों को कुछ भी दीजिए जो, लेकिन अगर उसके बच्चों को अगर शिक्षा देते हैं तो कल हो के उस बच्चों को बच्चों जो बच्चा है वो अनाज के लिए मोहताज नहीं होगा। जब बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने के रूप से जो है, तो बताते हैं कि उसके उनके पापा जो है एक किसान है, एक लेबर है जो है, और स्थिति बहुत ख़राब है। और हमारे शहर में फी इतना ज़्यादा है, हम लोग भी रेट पर पढ़ाते हैं, लेकिन इतना लैंड रोड का फी होता है, इस कारण से वो बच्चा ठीक से अपना फी तक दे नहीं पाता। हम तो लोग कोशिश करते हैं कि उस बच्चे से जो है पैसा ना ले लें, ताकि वो बच्चा फीस के अभाव में पढ़ ना पाए, जो वो बच्चा भी एक पढ़ने के लिए शिक्षित समाज का हिस्सा बने। और चाहते जितनी भी शिक्षा वो अपने आस पास ही है, अगर कोई बच्चा है इस तरह का जो नहीं पढ़ पा रहा है, तो बस आप उस बच्चे को जो है, देखिए अगर एक क्लास में अगर 50 सीट है अगर जो है, तो 10 बच्चे के लिए अगर हम एक्स्ट्रा सीट डाल देते ही हैं जो है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ के जो है वो हमारे समाज का एक हिस्सा बन सकता है जो है। तो अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे, कहते हैं ना यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, तो अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे अगर जो है, तो हमारा समाज भी एक आगे बढ़ सकता है।